अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से सब लोग ठीक होंगे। ग्रेड सेवन मैथ्स वीक फिफ्थ का ये सेकंड लेक्चर, जिसमें हम चैप्टर फोर सॉरी ये आपकी ग्रेड सिक्स मैथ्स है, ग्रेड सिक्स मैथ्स है जिसमें हम चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास होगा परसेंटेज। अब परसेंटेज आप कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑब्टेंड क्वांटिटी होती है, ऑब्टेंड क्वांटिटी होती है हमारे पास, और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो हमारे पास आ जाती है परसेंटेज। ये तो इस केस में है जब आपको टोटल गिवन हो और उसमें आपने जो चीज़ ऑब्टेन की हो, जैसे कि मार्क्स होते हैं, मार्क्स आप कह सकते हैं कि किसी स्टूडेंट के 100 में से 80 मार्क्स हैं और टोटल कितने हुए 100, और आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। ऑब्टेंड 80 होगा, उसको ऊपर रखेंगे, टोटल आपका क्या होगा 100, उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसको 100% से, तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि परसेंटेज होगी इसकी। तो एक तो ये इसमें चीज है, अगर बुक के ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो एक आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको परसेंटेज कुछ गिवन होती है और उस परसेंटेज के साथ ये भी गिवन होता है कि ये आपकी जो परसेंटेज या क्वांटिटी में इतनी बन रही है, उसमें आपको टोटल आपकी जो चीज़ है वो फाइंड करनी होती है। तो इस फर्स्ट फार्मूले से रिलेटेड मैं देखता हूँ अगर कोई एग्जांपल है तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं अपने पास से ही ले लेता हूँ। मैरी गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 75, फाइंड परसेंटेज। अब बच्चों परसेंटेज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये परसेंटेज को मैथमेटिकली हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ऑब्टेंड कितने हैं? मैरी ने 75 में से 60 जो है वो ऑब्टेन की है, ये आपकी ऑब्टेन क्वांटिटी होगी। टोटल 75 है और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100% के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फाइव 12 टाइम, फाइव 15 टाइम, उसके बाद होगा 3 5 टाइम, 3 4 टाइम, 5 1 टाइम, 5 20 टाइम आपके पास होगा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे को तो आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 80% आ जाएगा। मैरी गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 75, फाइंड परसेंटेज। तो वही फार्मूला, परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। 60 उसके जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, उसको हमने न्यूमरेटर में रखा, टोटल 75 थे उसको हमने डिनोमिनेटर में रखा, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100% कर दिया, तो हमारे पास इसका
रिजल्ट आ गया जो कि है 80%। तो ये फार्मूला था, फार्मूले से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल ले ली जो कि बुक से हटके थी, या बुक के ऊपर अगर एग्जांपल है उसको हम देखें। ये पेज है आपका 57। 20% ऑफ अ स्टिक इज कट ऑफ, द लेंथ ऑफ कट ऑफ पार्ट 20% ऑफ अ स्टिक इज कट ऑफ। 20% आपने कट ऑफ कर दिया, द लेंथ ऑफ कट, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ कट ऑफ इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपने फाइंड करनी है, ये काम है आपके पास। तो बच्चों बात बड़ी सिंपल सी है, ये देखें वो आपको 20% दे रहा है कि आपने 20% एक स्टिक का कट कर दिया है पीस, और वो 20% पीस आपके पास 15 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये आपने ओरिजिनल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास फिर फार्मूला होगा। बात आपने ये याद रखनी है कि जब एक चीज आपको परसेंटेज में भी गिवन है और क्वांटिटी में भी गिवन है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपके पास क्वांटिटी है इसको आप रख लेंगे न्यूमरेटर में, और जो आपके पास इसकी परसेंटेज है इसको डिनोमिनेटर में रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 20 के साथ जो परसेंटेज है ये आपका खत्म होगा। तो इसके इस जब भी परसेंटेज खत्म करते हैं तो वैल्यू को 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो आपके पास न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाके आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 0 0 से कैंसल, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो ये आपके पास टोटल जो लेंथ होगी, जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो 75 सेंटीमीटर होगी। तो बात मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब कोई वैल्यू आपको परसेंटेज में भी गिवन हो, कोई किसी चीज़ की क्वांटिटी आपको परसेंटेज में भी गिवन हो और क्वांटिटी भी गिवन हो, तो उसकी ओरिजिनल या टोटल उस चीज़ का फाइंड करने के लिए आप उस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में रखते हैं, अपनी परसेंटेज को डिवाइड करने के बाद आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है। ये पेज 57 के ऊपर आपकी एग्जांपल है। पेज 57 आपके पास सॉल्वड है, और पेज 58 पे आ जाए। एट फर्स्ट अ टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर, आफ्टर 12% ऑफ वाटर वॉज पोर्ड आउट, 4040 लीटर ऑफ वाटर लेफ्ट, 4040 लीटर ऑफ वाटर लेफ्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये देखें टोटल आपके पास होगा ये 100%, ये आपके पास टोटल है इसका जो के 100% है, और ये 12% आपने वाटर क्या कर दिया इसमें से निकाल लिया है, और बाकी जो है आपके पास ये 440 लीटर है, ये 440 लीटर है। तो आप खुद सोचें कि टोटल 100% है, ये 12% निकाल दें तो बाकी आपका 40% बन रहा है, तो सॉरी 440 लीटर बन रहा है। तो आप फिर क्या करें, ये जो 440 लीटर आपके पास बन रहा है ये एक्चुअली इसका कितने परसेंट है, तो आप 100% में से ये 12% माइनस कर दें तो आपके पास ये 88% आ जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि ये आपके पास 88% जो है ना,
वो 440 है, 88% आपके पास 440 है, 440 फिर आपके पास ऑब्टेंड क्वांटिटी होगी उसको आप, मैंने बताया था अगर कोई चीज क्वांटिटी में भी गिवन हो और परसेंटेज में भी गिवन हो तो आप उसकी क्वांटिटी को ऊपर रख लेते हैं, परसेंटेज को नीचे रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 80% 440 बन रहा है, टोटल क्या होगा? तो जो 80% के नीचे 100 आएगा, परसेंट खत्म करने के लिए वैल्यू को 100 पे डिवाइड करते हैं, वो आपका ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी आप मल्टीप्लिकेशन इसकी कटिंग वगैरह कैलकुलेटर पे करने के बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो 500 पेजेस के फॉर्म में आ जाएगा। आपके पास आएगा यहाँ पे 8 1 टाइम 8 1 टाइम 8 5 टाइम 8 5 टाइम 11 1 टाइम 11 5 टाइम। तो आप 500 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इनिशियली जो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी इसके अंदर इन लीटर्स वो थी 500 लीटर। तो ये आप